वेरी गुड आफ्टरनून टू माय ऑल। आज के इस पब्लिक सभा में श्री प्रशांत गोयल सर आईएएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मैं स्वागत करना चाहूंगा। वेरी गुड आफ्टरनून सर। Sir, today under your able guidance, we have organized a public darbar in which on the right side we have all the HOTs who are there. On our left side, sir, we have Chair XCRP Municipal. We also have our BDC members, BDC chairpersons, and we have general public including sarpanches and panches. Sir, aaj ke public darbar mein, to keep things crisp, वी हैव हैड अ एजेंडा जिसमें वी विल स्टार्ट विद द ग्रीवेंसेस एंड ग्रीवेंसेस में सर हम लोग पहले पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के जो मेन पॉइंट्स है सर अगर आप आज्ञा देंगे तो हम उनको सुन लेंगे एंड आफ्टर दैट इफ पब्लिक हैज एनी पॉइंट टू मेक एडिशनल पॉइंट टू मेक तो जो जनरल पब्लिक आई है वो भी बता सकते हैं। मेरी सभी लोगों से एक जो गुजारिश रहेगी कि पॉइंट्स को रिपीट ना करें और अगर आपका ग्रीवियंस है तो कीप इट लिमिटेड टू वन और टू लाइंस। माइक पे आगे आके क्लियरली अपने नाम बताएं, अपना डेजिग्नेशन बताएं और आपका क्या ग्रीवियंस है सो दैट वी आर एबल टू कंप्लीट दिस एंटायर एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वन आवर। एज जो हमारे टाउन और मंडल एरिया और आसपास के डिस्ट्रिक्ट के ग्रीवियंसेज है हम उनको नोट डाउन कर सके और सर के सामने फिर हम सर से भी सुनेंगे कि सर के क्या डायरेक्शंस रहते हैं और क्या गाइडेंस रहता है। सो विद योर काइंड परमिशन सर लेट मी स्टार्ट। सर कौन से इश्यूज आए और आपने क्या एश्योरेंस दी? नहीं, इसमें कई तरह के मसले हैं लोगों के, सड़कों का इशू है, हॉस्पिटल का इशू है, स्कूलों का इशू है, फूड सिविल सप्लाईज का इशू है, कई सारे ड्रेनेज के इश्यूज हैं और कुछ जो उनके पेंडिंग पेमेंट्स के इश्यूज हैं उस तरह के काफ़ी सारे मुद्दे थे और जो हमने सुने उसमें डीसी साहब काफ़ी कुछ कोशिश करेंगे। उन्होंने कई जगह पे ऑलरेडी शुरुआत करी हुई है, बाकी जगह पे वो एक अपना लोकल लेवल पे सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करेंगे और जो ऐसे इश्यूज होंगे जो उसके यूटी लेवल पे लेने हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के से कंसर्न है कॉमन इश्यूज हैं उसको कंसोलिडेट करके इश्यूज मेरे उसको सबमिट करेंगे और मैं उनको कंसर्न ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करूंगा और एक सॉल्यूशन स्थाई सॉल्यूशन देने की कोशिश। सर यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड ने जो है वो हाउसिंग कॉलोनी बनाने के लिए कई साल पहले जो है लोगों से 500-500 रुपये लिए थे और बताया था कि हाउसिंग में यहाँ घर दिए जाएंगे, क्या ये कॉलोनी यहाँ बनेगी किश्तवाड़ में या सिर्फ एक ख्वाब रहेगा? ये मेरे को नहीं पता ये इशू कौन सा है जिसमें 500-500 रुपए लिए गए थे और 500-500 रुपए किस चीज़ के फॉर्म भरने के लिए। हाँ तो वो चेक करना पड़ेगा, अभी मैं एकदम से ऑफेंड नहीं बता पाऊंगा उसके क्या डिटेल्स चेक करने पड़ेंगे क्यों। सर आपका डिपार्टमेंट है जो इलीगल टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है नेशनल हाईवे 244 पर राइट फ्रॉम किश्तवाड़ टू बटोत, तो उस पर क्या आप ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं कि जो इलीगल है और वो डिपार्टमेंट आपके यहाँ सर गाड़ियों से ना पैसेंजर व्हीकलों से 50-50 रुपये जो है ना वो टैक्स कलेक्ट किया जाता है नेशनल हाईवे पर, ठाठरी में किया जाता है, पुलडोडा किया जाता है, बटोत में किया जाता है, जबकि ये प्रैक्टिस कहीं और नहीं है जैन के। नहीं क्या टोल की सर लॉरी अड्डा, लॉरी अड्डा टैक्स, लॉरी अड्डा म्युनिसिपल टेंडर निकालता है और उसके बेसिस पे एक लॉरी अड्डा टैक्स लेता है कि म्युनिसिपल रोड्स पे अगर कोई गाड़ी प्ले कर रहा है या म्युनिसिपल एरिया से भी अगर वो देखिए आप अगर यूएनबी अपना वो तो एक लीगल वे हुआ ना, इलीगल तो नहीं। लेकिन सर नेशनल हाईवे पे अलोडी नहीं है टोल प्लाजा के अलावा टैक्स? नहीं अगर म्युनिसिपल एरिया में कोई टैक्स लग रहा है सर उसकी बात नहीं, एक बार चेक रिक्वेस्ट करूंगा डीसी साहब।
पे कलेक्ट होना चाहिए, कलेक्ट अलग तरीके से होना चाहिए, वो हम करेक्ट करा पाएंगे। वो आप चेक करवाए, डीसी साहब चेक करवाएंगे कि वो उसको करेक्ट जगह पे लें, बट म्यूनसिपलिटी अपना कुछ रेवेन्यू जनरेट करती है और उसी से वो वहाँ के लोकल म्यूनसिपल। हाँ, जो जैसा आपको बताया कि हाईवे पे नहीं होना चाहिए, वो किसी अप्रोप्रिएट पॉइंट पे होना चाहिए, उसको ध्यान में रखें। सर, बस स्टैंड की एक्सपेंशन की बात हुई तो उसको लेकर क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं इमीडिएटली उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, उसको एक बार कितना एस्टीमेट मिशन देखना पड़ेगा, कितना उसका खर्चा आएगा और उसके हिसाब से फिर एक उसको प्लान में इंक्लूड कराना पड़ेगा डिपार्टमेंट के, ताकि वो वर्कआउट। सर, आखिरी सवाल ये कि म्यूनसिपलिटी का दफ्तर जो है वो वेल नहीं है किश्तवाड़ में, क्या उसके लिए कहीं और बनाया जाएगा म्यूनसिपलिटी का ऑफिस? जहाँ ऑफिस है वो थोड़ा सा है, डीसी साहब को भी पता है कि मतलब वो एक कंजेस्टेड और अनसेफ बिल्डिंग है किश्तवाड़ म्यूनसिपल काउंसिल का जो ऑफिस है। हाँ, तो किश्तवाड़ डीसी साहब अब वहाँ के उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो डीसी साहब उसको वर्कआउट करेंगे प्रपोजल और वो फिर सबमिट करेंगे। सर, एक क्लियरेंस चाहेंगे कि यहाँ की म्यूनसिपलिटी क्लेम कर रही है कि उनका टेनवर फरवरी में खत्म हो रहा है, तो इसमें क्या क्लियर? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, वो डेट्स के बारे में मैं ऐसे ध्यान ऐसे नहीं कमेंट कर पाऊंगा, बट वो जो भी है जो उसका लीगल वो है उसी हिसाब से हो सकता है, वो कोई भी उसमें कोई फ्लेक्सीबिलिटी नहीं होती। क्लेम करने से नहीं होगा किसी के, जो भी जब शुरू हुआ पहली मीटिंग से उसके हिसाब से देखा जाएगा। थैंक यू सर।